अखिल भारतीय बलाई महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा सैकड़ों दलित वर्ग के लोगों के साथ आज राघवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कमलियाखेड़ी में बंधुआ मजदूर बनाकर युवक को जिंदा जला देने के विरोध में और आत्महत्या बताकर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के नाम एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह को निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा मीडिया को बताया गया कि बलाई समाज अनुसूचित जाति के युवक कैलाश मालवीय निवासी ग्राम डेडली जिला उज्जैन जो कि पिछले कई दिनों से उज्जैन के जिले के महितपुर तहसील के ग्राम कमलियाखेड़ी में बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहा था तथा वहां के दबंग लोगों के यहाँ पर मजदूरी करता था। आसपास के ग्रामीणों द्वारा ऐसा बताया गया है कि चोरी की शंका के चलते कैलाश मालवीय को 3 दिनों तक भैंस के बारे में जंजीरों से बांध के रखा गया, उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई, सर्दी के मौसम में उस पर रात्रि में ठंडा पानी फेंका गया, नग्न करके उसे रखा गया, भोजन तक नहीं दिया गया तथा दीपावली के अगले दिन 15 नवंबर 2020 को कमलियाखेड़ी गांव में दबंगों द्वारा उसे जिंदा जला दिया गया। सतीश सिंदल द्वारा बताया गया कि राघवी पुलिस द्वारा इस जघन्य हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। पीड़ित व्यक्ति जो कि 3 दिन तक जीवित था, स्थानीय पुलिस द्वारा उसके बयान लेना तक जरूरी नहीं समझा। कमलियाखेड़ी ग्राम में दबंगों का इतना खौफ है कि कोई भी ग्रामीण घटना के बारे में बोलना नहीं चाहता। एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दे। अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मामले की पूरी जांच कर अपराधियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। ग्राम डेंडिया मेंडिया में रहने वाले कैलाश मालवीय जो कि पिछले कई दिनों से बधवा मजदूर के रूप में कमलियाखेड़ी में किसी दबंग व्यक्ति के यहाँ पर काम कर रहे थे, चोरी की शंका के चलते उन्हें दीपावली के आसपास लगभग उनको 3 दिनों तक भैंस के बाड़े में जंजीरों से बांध के रखा गया और 3 दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया गया। उन्हें ठंडे पानी, सर्दी, ऐसे गंभीर सर्दी के समय में उन पर ठंडा पानी डाला गया, तरह तरह की यातनाएँ उन्हें दी गई, नग्न अवस्था में रखा गया और अगले दिन जब 15 नवंबर को पड़वा वाले दिन वहाँ से वो जिस तरह से अपने आप को बचा के निकले तो गांव के दबंगों ने उन्हें पकड़ के खेत पर ले जाकर उन्हें जिंदा जला दिया, जिसकी वीडियो जारी करी है जिसमें वो अपने आप को जिला बदर बता रहे हैं, अपने आप को पुलिस से गिरफ्तार ना होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो वीडियो है संदेहास्पद है, क्योंकि हमने जब नानाखेड़ा थाने पर पता किया तो मालूम पड़ा वो व्यक्ति कैलाश मालवीय यहाँ जिला बदर नहीं है। हमने राघवी थाने में पता करा तो मालूम पड़ा वहाँ पर जिला बदर नहीं है। तो व्यक्ति जब जिला बदर नहीं है तो वो जिला बदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? फिर भी यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिला बदर है, चोर है, डकैत है अथवा बलात्कारी है तो उसके लिए कानून बना है, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, ना कि कोई दबंग व्यक्ति उसको जिंदा जला सकता है। यदि आज मेरे घर में कोई व्यक्ति चोरी करता है तो मैं उसको पुलिस के सुपुर्द करूँगा, ना कि उसको जिंदा जला दूंगा। तो ये अनियमितता है, ये घोर लापरवाही है, ये क्रूरता है, ये हमारे दलितों के साथ जो अत्याचार पिछले 5,000 वर्षों से होता आ रहा है उसकी एक अंश मात्र आज हमको देखने को मिला है। दिवाली के दिन से लेकर 24 तारीख को डेड बॉडी परिवार को सुपुर्द की गई, 9 दिन तक व्यक्ति जिंदा था। 9 दिनों में राघवी थाना पुलिस ने इतनी चिंता नहीं करी कि मृतक व्यक्ति जो जिंदा है 9 दिनों तक उसके बयान नहीं लेना उचित समझा। तो आज देखें कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो गतिविधियां, राघवी थाने की गतिविधियां, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। हमने राघवी थाने की शिकायत माननीय पुलिस अधीक्षक से कही करी है, हमने वहां पर दबंगों की शिकायत करी है कि जो लड़के को जिंदा जलाया गया, आरोपी को पकड़कर, जो दोषी आरोपी है उन्हें पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके लिए SIT गठित की जाए, अन्यथा CBI जाँच की मांग की करी है हमने। जो CBI जाँच की मांग करी उसके लिए हमें आश्वस्त किया माननीय पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने। धन्यवाद। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। आज स्थानीय एक ग्रुप के द्वारा थाना राघवी का जो मुद्दा था उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन दिया है और एक घटना हुई थी जिसमें एक मृतक की असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई है, उसकी जांच की मांग की गई है और जो पूरा ज्ञापन है उसको दिया गया है। साथ में ये भी आश्वस्त किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी कि इसमें पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई है वो भी कराई जाएगी और पूरी तरह से फेयर इसमें इंक्वायरी होगी।